धे टीवी के इस पिसीजन न्यूज प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। प्रवासी पक्षियों का भारत में आना जाना अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है। प्रवासी पक्षी अपनी विशिष्टता के चलते भारत के पर्यावरणविदों के लिए साथ साथ जो पर्यटक प्रेमी हैं उनके लिए आकर्षण का विषय बने रहते हैं। और इसी क्रम में हाल ही में 53 इजिप्टियन वल्चर भारत की राजधानी दिल्ली में देखे गए हैं। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजधानी क्षेत्र में इनकी संख्या में हाल के समय में काफ़ी गिरावट देखी गई है। अब ये हाल में इतनी बड़ी संख्या में यमुना के रेतीले क्षेत्र में देखे गए हैं। ये विशेष प्रकार के गिद्ध दिल्ली के भाटी माइंस क्षेत्र, गाजीपुर लैंडफिल्स क्षेत्र और ओखला बर्ड सेंचुरी में विशेष तौर पर आना पसंद करते हैं। भारत में पाई जाने वाली गिद्धों की 9 प्रजातियों में से एक प्रमुख इजिप्टियन वल्चर है, जिसे IUCN ने अपने रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड की सूची में शामिल कर रखा है। यह एक प्रवासी पक्षी है यानी माइग्रेटरी बर्ड है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये एक Schedule 4 स्पीसीज़ है। यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। इसका मूल प्राकृतिक आवास भारत नहीं है, बल्कि ये उत्तरी अफ्रीका और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, साइबेरिया के जो रीजन्स हैं वहाँ पर पाया जाता है, आइबेरियन रीजन, और इजिप्ट, मोरक्को, ट्यूनीशिया में अच्छी आबादी में मिलता है। इससे पूर्व यह गिद्ध भारत के पश्चिमी घाट के मोयार वैली में देखे जा चुके हैं और मोयार वैली को रैप्टर वैली ऑफ वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, क्योंकि जो रैप्टर्स होते हैं उनका ये आदर्श आश्रय स्थल माना जाता है और यह तमिलनाडु में स्थित है। हाल के समय में इजिप्टियन वल्चर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के धुतुकुड़ी में भी देखे गए हैं। वैसे अगर हम बात करें गिद्धों की प्रजातियों की, तो भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ओरिएंटल वाइट बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन रेड हेडेड, इजिप्टियन और बियर्डेड, सिनेरियस और यूरेशियन ग्रिफिन, ये सब जो हैं प्रजातियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। भारत में 3 प्रजातियाँ खास तौर पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, जिसमें ओरिएंटल वाइट बैग्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर शामिल हैं, और इनकी तादाद में करीब 99% जो है गिरावट आ गई है। रेड हेडेड वल्चर को भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रख दिया गया है और इनकी संख्या में भी लगभग 91% गिरावट आई है। इजिप्टियन जो वल्चर हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये इंडेंजर्ड की सूची में रखे गए हैं। जो हिमालयन वल्चर हैं, बियर्डेड वल्चर हैं, सिनेरियस वल्चर्स हैं, इन्हें नियर थ्रेटेंड यानी निकट संकट ग्रस्त श्रेणी में डाल दिया गया है। 1990 के दशक के बीच में गिद्धों की आबादी घटने की खबर मिली थी और साल 2004 में वैज्ञानिकों ने इस गिरावट के पीछे जो कारण खोजा वो था डिक्लोफिनेक, जो कि एक दवा है, और डिक्लोफिनेक पशुओं के शवों को खाते वक्त गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती है। और ये जो दवाई है डिक्लोफिनेक, इसका इस्तेमाल पशुओं के इलाज में होता है और इसका इस्तेमाल आमतौर पर पशुओं में बुखार या उत्तेजना जैसी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। तो जब गिद्धों पर इसका नकारात्मक असर देखा गया तो इसी के बाद 2006 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ये जो दवा है इससे गिद्धों की जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है और उससे उनकी मौत हो जाती है। तो इजिप्टियन वल्चर भारत का एक प्रवासी पक्षी है जो भारत में आता है, इसके बारे में आज हम लोगों ने इस पर चर्चा किया। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। आज का जो सवाल है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वो ये है कि इजिप्टियन वल्चर का जो नेटिव प्लेस है, जो ओरिजिन प्लेस है, वो कहाँ है, मूल रूप से ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और IUCN का स्टेटस क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।